हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है हमारा वो हमारा अनबॉक्सिंग के ऊपर रहेगा व्लॉग, जो कि हमारा आज कैमरा है सामने GoPro Hero 11 क्रिएटर एडिशन ब्लैक। और गाइस, आज ना हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और बताएंगे आपको क्या क्या है इसके अंदर। मैंने तो अनबॉक्स कर लिया था पहले, लेकिन अभी ना एक बार फिर से अनबॉक्स करता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या इसके अंदर है। तो गाइस, मेरे को ना काफ़ी रुकना पड़ा था इस कैमरे के लिए, क्योंकि मैंने ना ये दुबई से परचेज़ किया है। और गाइस, फाइनली मेरे पास है और इसमें क्या क्या अंदर से देखते हैं अब। तो गाइस, करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी जल्दी से, खाते हैं क्या क्या इसके अंदर है। तो गाइस, अब हम करते हैं इसको अनबॉक्स। वाह गाइस, ये रहा इसका अंदर का व्यू। सबसे पहले हमको ये स्टिकर देखने को मिलेंगे, इसको तो हमने कुछ करना नहीं। और गाइस, ये रहा बाकी कैमरे का लुक। और उसके अंदर ना हमको यहाँ पे दिया गया कुछ मैनुअल, जो कि कोई पढ़ता नहीं। अगर आपको यूज करना होगा पहले तो आप पढ़ भी सकते हो इनको। हम इनको रखते हैं पहले साइड पे, उसके बाद गाइस ये आता है हमारा कैमरा। वाह यार, क्या भाई गाइस, क्या लुक है कैमरे की। और इसका वजन करीब 200 ग्राम के आसपास है। और गाइस, ये रहा कैमरा। तो गाइस, ये रहा कैमरा। यार इसकी ना बिल्ड क्वालिटी ना जो पहले जैसी है, लेकिन काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। और इसकी जो ये लेंस है, ये रिमूवेबल है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और गाइस, ये रहा हीरो 11 ब्लैक। और गाइस, ये रहा इसका वीडियो मोड, और ये टाइम लैप्स वाला मोड है इसके साथ में। और यहाँ पे हमको फोटोशूट वाला मोड भी मिल जाता है। और गाइस, ये था कुछ इस तरीके का हीरो 11 का सेटअप। और गाइस, अब निकालते हैं इसका मीडिया मोड। तो गाइस, ये रहा इसका मीडिया मोड, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है यार। ऐसे मार्केट में 7-8 थाउजेंड रुपीज़ का मिलता है अलग से, अगर आप लेना चाहोगे तो। गाइस, इसकी खास बात ये है कि आप इसको ना मतलब कि कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको माइक वगैरह अलग से कुछ लेना पड़ा था, तो वो सब नहीं लेना पड़ेगा, इसमें सब कुछ हो जाता है। तो गाइस, ये भी अच्छी चीज़ है, उसको रखते हैं साइड पर पहले। और गाइस, अब निकालते हैं हम अपने वोल्टा ग्रिप को। गाइस, जो ये चीज़ है ना यार, इस चीज़ के लिए समझो कि मैंने एक GoPro खरीदा है, क्योंकि यार बैटरी प्रॉब्लम जो होती है हर GoPro में, तो इससे आप ना 4 आवर मतलब एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो अपने GoPro को। 4 घंटे इंक्रीज हो जाती है बैटरी आपकी, अगर इस गिम्बल को यूज़ करते हो। गिम्बल या वोल्टा ग्रिप जो भी आपको बोल रहे हैं, भूल रहे हैं। और गाइस, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यूज़फुल है आपके लिए, ये बैटरी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। तो गाइस, इससे ना आप 4 घंटे एक्स्ट्रा मतलब यूज़ कर सकते हो अपने GoPro को। और इसको ना आप मतलब स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो ऐसे करके, इसको इस साइड में अगर कहीं पे आपको रखना होगा GoPro वगैरह, तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, एज ए स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, इसमें ना बाकी बटन वगैरह भी मिल जाते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, मोड्स भी अलग अलग है यहाँ पे। और गाइस, इसको भी रखते हैं हम अभी साइड पे, और अभी आपको दिखाते हैं हम एक दूसरी चीज़ क्या है अंदर से। तो गाइस, ये रहा गाइस, ये जो लाइट है ना, ये फ्लैश लाइट तो नहीं, मतलब ऐसे आपको अगर फोटोशूट करना होगा या और कुछ करना होगा, तो गाइस इससे ना मतलब आप और भी अच्छे फोटो क्लिक कर सकते हो या वीडियो शूट कर सकते हो। तो गाइस, ये भी ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है साथ में, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई GoPro को साथ में फोटो क्लिक करने के लिए या और कुछ वीडियो वगैरह जब आप शूट कर रहे हो। ये है इसकी सेकेंड लेयर, ये सब आपको GoPro Hero 11 क्रिएटर एडिशन में मिलता है। अब इसको भी हम खोलते हैं, बाहर दिखाते हैं आपको। और गाइस, साथ में ऐसा कुछ मिलता है यार मीडिया मोड के ऊपर लगाने के लिए, इससे आपके मतलब जो आवाज़ वगैरह वो साफ आएगी, नॉइस वगैरह कट हो जाएगा इससे, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। और गाइस, इसमें ना दो हमें USB-C टाइप केबल दी गई हैं, इनको फिलहाल हम साइड पर रखते हैं। और हमारे पास ये 2 स्क्रूज दिए इन्होंने इसमें, ये भी अच्छी चीज़ है, जो कि आपको आपके GoPro को हैंडल करने के लिए लगते हैं वोल्टा ग्रिप के साथ, या अपने हेलमेट के साथ जहाँ भी आपने यूज़ करने होंगे। और गाइस, इसके अंदर ना ये कुछ माउंट्स वगैरह मिलेंगे हमको, ये भी GoPro को हेलमेट के साथ लगाने के लिए यूज़ होते हैं। और ये भी पता नहीं किस चीज़ के लिए, अब मेरे को पता नहीं पूरा, कि मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। और ये एक्स्ट्रा एक दिया गया है। तो गाइस, अभी ना इसको मैं फिर दिखाता हूँ आपको कैसा व्यू बनता है इसको एक साथ लगाने से। पहले ना आपको ये साइड पे ना
ये खोलना पड़ा थोड़ा ऊपर के लिए खींच के। मैंने इसमें मेमोरी कार्ड पहले से लगा के रखा है क्योंकि मैंने पहले भी यूज़ किया था, यहाँ पे साइड में मेमोरी कार्ड लगता है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये रहा मेमोरी कार्ड और ये यहाँ पे लगता है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे। मैंने ये इसमें लगा दिया और गाइस अपना बैटरी इसमें फिट करते हैं। तो गाइस बैटरी भी इसमें फिट हो गई है। तो गाइस अभी ना हम इसको पहले ये जो चीज़ है ना ये निकल जाती है और यहाँ पे ना हम मीडियम मोड इसको अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपको ये निकालना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ देना है इसको और ये निकल आता है बाहर और ये ऐसे आ गया बाहर। तो गाइस इसमें बैटरी मैंने अटैच कर ली है, अभी इसको हम मीडियम मोड में लगा देते हैं। अभी मीडियम मोड के लिए भी आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसमें भी थोड़ा सा ना आपको कम गया यार, ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ऊपर के लिए करना है आपने, उसके बाद साइड हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे अंदर आपको दिख रहा होगा यार, सी टाइप केबल जैसा होगा यहाँ पे, मतलब सी टाइप का ये जो दिया गया प्लग यहाँ पे, तो ये इसमें अटैच हो जाएगा, जो कि यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है गोप्रो का वो इसमें अटैच हो जाएगा। तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ इसमें और इसको बाहर से हम करते हैं बंद। तो ये इस तरह का बन जाता है। तो गाइज अब हम इसमें वॉल्ट ग्रिप को अटैच करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ नीचे से यार ये दो प्लग नीचे निकालने होंगे, ये ऐसे नीचे के लिए करना है यहाँ पे, इसको माउंट जैसा दिया गया यहाँ पे। और अब हम इसमें इसको अटैच करते हैं, उसके लिए हम स्क्रू जो दो दिए गए थे ना वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसमें एक स्क्रू हम ये यूज़ करते हैं यहाँ पे। और गाइस ये ना इससे अटैच हो गया है इस तरीके का। तो गाइस अभी हम इसमें ये लगा देते हैं। और गाइस जो अभी इसमें ये जो है लाइट इसमें अटैच कर देते हैं यहाँ पे हम। तो गाइस ये रहा फाइनल लुक, देखो यार गोप्रो की यार काफी ज्यादा यार मस्त लगती है यार ऐसे। और आपने इसको ऐसे मतलब ब्लॉग भी बना सकते हो जो भी आपको करना होगा। तो यार लुक इसकी ना जो काफी ज्यादा यार अच्छी है। और गाइस अभी मैं लाइट एक बार ऑन करता हूँ यहाँ पे, मैं अपनी तरफ एक बार लाइट घुमा देता हूँ यार इसमें लाइट में भी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और गाइस यही था GoPro Hero 11 क्रिएटर एडिशन का सीन कुछ इस तरह का। तो गाइस आज के बाद ना ब्लॉगिंग हम करने वाले हैं इसी से। तो गाइस जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।